नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आज शाम तक की बड़ी खबरों की ओर। आरएसएसबी जयपुर ने निकाली रिक्तियां। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर ने हाल ही में एग्रीकल्चरल सुपरवाइजर के लिए कुल मिलाकर 882 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास एग्रीकल्चर में स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। इसके साथ ही हिंदी टाइपिंग का ज्ञान होना भी अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 17 मार्च 2021 तक आरएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। पंचायत चुनाव 2021 के लिए 25 फरवरी से उपलब्ध होगी वोटर लिस्ट। बिहार में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर 25 फरवरी से मतदाता सूची उपलब्ध हो जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर ये सूची सभी जिलों में डीएम कार्यालय और बीडीओ के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि आयोग ने इसके लिए शुल्क भी निर्धारित किया है। 25 फरवरी से ₹2 प्रति लिस्ट के हिसाब से मतदाता सूची प्राप्त कर सकते हैं। इन कार्यालयों में लिस्ट की प्रमाणित प्रति मिलेगी। इससे पहले चुनाव आयोग ने सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को 19 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही 14 फरवरी तक वोटर लिस्ट में नए नामों को शामिल करने पर आयोग की सहमति लेनी होगी। आयोग के अनुसार 24 फरवरी तक मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा, जिसके बाद मतदाता सूची को सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार कैडर के 12 आईएएस जाएंगे प्रशिक्षण पर। बिहार कैडर के 12 आईएएस अधिकारियों का प्रशिक्षण मसूरी में होगा। यह प्रशिक्षण मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 22 फरवरी से 19 मार्च तक होनी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में एक पत्र भी जारी किया है। आपको बता दें कि प्रशिक्षण पर जाने वाले कई अधिकारी फिलहाल कई जिलों में डीएम के पद पर भी स्थापित है। जानकारी के मुताबिक खगड़िया, सुपौल, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, सारण, नालंदा जिलों के डीएम प्रशिक्षण पर जाएंगे। इनके अनुपस्थिति में प्रभारी जिलाधिकारी की भी व्यवस्था कर दी गई है। ऐसे में डीएम की जगह पर उस जिले के अपर समाहर्ता या उप विकास आयुक्त को प्रभार दिया जाएगा। राज्य में काम के आधार पर नर्सों को दिए जाएंगे रैंक। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बिहार के तमाम पीएचसी जिला एवं अनुमंडल अस्पतालों में काम करने वाले नर्सिंग कर्मियों को रैंक दिए जाएंगे। ये रैंक उनके बेहतर काम कौशल, योग्यता और कार्यानुभव के आधार पर दिए जाएंगे। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग ने कंपेटेंसी बेस्ड स्किल असेसमेंट करने का निर्णय लिया है। असेसमेंट में मिलने वाले रैंक के आधार पर नर्सिंग कर्मियों को रिवार्ड, बेड और एप्रन दिए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि जिला स्तर पर सर्वोच्च रैंक हासिल करने वाले चयनित नर्सिंग कर्मी को ₹5,000 और प्रखंड स्तर पर बेहतर करने वाले को ₹3,000 दिए जाएंगे। आपको बता दें कि रैंकिंग के आधार पर इन्हें 1 से 3 स्टार तक का बिल्ला और अलग अलग रंगों के एप्रन उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य में पहली बार शुरू हुई हॉप शूट्स की खेती। औरंगाबाद जिले के एक किसान ने यूरोपीय देशों के ठंडे इलाकों में उगने वाली सब्जी हॉप शूट्स की खेती शुरू की है। बिहार में पहली बार इसकी खेती शुरू की गई है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल मार्केट में इस सब्जी की कीमत 1,000 यूरो यानी कि ₹82,000 प्रति किलोग्राम है। इस खेती पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के वैज्ञानिकों की भी नजर बनी हुई है। आपको बता दें कि किसान अमरेश कुमार ने कृषि वैज्ञानियों के देखरेख में 5 कट्ठा जमीन पर 200 हॉट शूट्स के पौधे उगाए हैं। विज्ञानियों के अनुसार यह एक गुणकारी सब्जी है। हॉप शूट्स का उपयोग एंटीबायोटिक दवा, टीबी के इलाज और गुणवत्तापूर्ण बियर बनाने में होता है, इसलिए खेती कर किसान काफी लाभ कमा सकेंगे। रेल बजट से बढ़ेगी बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी। आम बजट में रेल मंत्रालय की तरफ से बिहार को काफी कुछ मिला है। इसके तहत आरा जंक्शन से उत्तर प्रदेश के बलिया स्टेशन के बीच नई रेल लाइन बनाई जाएगी। नई रेल लाइन बिछाए जाने के बाद आरा जंक्शन के 4 दिशाओं में रेल यातायात बहाल होगी। इसके साथ ही रेलवे का चौराहा बनने के बाद आरा जंक्शन का भी तेजी से विकास होगा। आपको बता दें कि आरा जंक्शन से झारखंड के लिए भी ट्रेनें खुलती है, जिसके बाद नई रेल लाइन बनने से आरा के रास्ते उत्तर प्रदेश की ट्रेनें झारखंड और पश्चिम बंगाल तक जा सकेंगी। पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक ने बताया कि रेलवे की कई नई परियोजनाओं के शुरू होने से प्रवासी मजदूरों को भी रोजगार दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार के रेल बजट में पूर्व मध्य रेलवे को 4,844 करोड़ की राशि परियोजनाओं को पूरा करने के लिए मिली है। अपराधियों को जमानत नहीं देने के मूड में आई बिहार पुलिस। राज्य में पुलिस अब अपराधियों की जमानत रद्द करके अपराध पर अंकुश लगाएगी। डीजीपी एसके सिंघल ने अपराध पर लगाम लगाने के उद्देश्य से पुलिस अफसरों और सभी जिलों के एसपी को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत पुराने मामले में मिली जमानत को रद्द करने, अपराधियों की गिरफ्तारी करने, त्वरित अनुसंधान और स्पीडी ट्रायल करने को कहा गया है। यानी अगर कोई अपराधी जमानत मिलने के बाद दोबारा अपराध में शामिल होता है तो पहले के मामले में मिली जमानत को रद्द करके कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि बिहार पुलिस द्वारा इस मुहिम को 9 साल पहले भी चलाया गया था, जिसका असर भी देखने को मिला था। इसलिए बिहार पुलिस अपराधियों के खिलाफ एक बार फिर इस मुहिम को शुरू करेगी।
उत्तराखंड ग्लेशियर हादसे में बिहार के 4 युवक लापता। उत्तराखंड के चमोली में हुए ग्लेशियर हादसे में राज्य के 4 युवक लापता बताए जा रहे हैं। इनमें से 3 युवक वहां चल रहे प्रोजेक्ट में काम करते थे। वहीं समस्तीपुर का एक युवक भी चमोली के पास ही मजदूरी करता था। ग्लेशियर टूटने की घटना के 40 घंटे बीतने के बाद भी अब तक इन युवकों का कोई अता पता नहीं चल पाया है। परिजनों से इनका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। लापता हुए युवक पटना, गोपालगंज, छपरा और समस्तीपुर के बताए जा रहे हैं। वहीं 40 घंटे बाद भी पता नहीं चलने से इनके परिजनों के बीच कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें कि इस हादसे में लापता होने वाले युवकों की संख्या बढ़ भी सकती है। पटना नगर निगम करवा रही है दीवारों पर रंग बिरंगी पेंटिंग। स्मार्ट सिटी योजना के तहत पटना शहर को सवारा जा रहा है। दरअसल स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर केंद्र सरकार की टीम अगले महीने पटना आ रही है। इसी के तहत पटना नगर निगम ने शहर को साफ और सुंदर बनाने की दिशा में अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। इसके तहत कई इलाकों में सरकारी भवन की दीवारों पर पेंटिंग कराई जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी 2019 में भी शहर के कई VIP एरिया में दीवारों को पेंट किया गया था, जिसमें लाखों रुपए निगम द्वारा खर्च किए गए थे। फिर भी रैंकिंग में कोई सुधार नहीं हुआ था। वहीं इस बार भी सर्वेक्षण को लेकर उन्हीं दीवारों को फिर से पेंट किया जा रहा है। राज्यसभा सांसद ने की मधुबनी पेंटिंग के विकास की बात। बिहार से भाजपा के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी से किए गए मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने औरंगाबाद के ओबरा स्थित कालीन हस्तकला केंद्र, नवादा के कादिरगंज स्थित सिल्क तसर कपड़ा हस्तकला केंद्र, पटना के पालीगंज स्थित सिगोड़ी में कॉटन कपड़ा हस्तकला केंद्र और मधुबनी पेंटिंग के विकास के लिए केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया। जिसके बाद स्मृति ईरानी ने इन हस्तकला केंद्रों की आवश्यकताओं और कमियों को समझने के लिए टीम भेजकर रिपोर्ट तैयार करने की बात कही। इस बाबत यह भी चर्चा किया गया कि मधुबनी पेंटिंग को इन हस्तकला केंद्र से निर्मित कपड़े पर बनाने की दिशा में काम किया जाए। शिक्षकों की बहाली में बिहार हुआ फेल। हाल ही में सभी राज्यों में नई शिक्षा नीति लागू करने की दिशा में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने TET आयोजन में हो रही परेशानी को लेकर सभी राज्यों से जानकारियां मांगी है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में अब तक सिर्फ 2 बार TET यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन हुआ है, जबकि इसे हर साल आयोजित किया जाना था। यहां तक कि TET पास करने वाले अभ्यर्थियों को अब तक नौकरी भी नहीं मिल पाई है। ऐसे में बिहार के सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि 2011 में NCTE ने देश भर में शिक्षक पात्रता परीक्षा के जरिए शिक्षकों को नियुक्त करने के आदेश जारी किए थे, जिसके तहत हर राज्य को साल में 1 बार TET का आयोजन कराना था, जिसके बाद स्कूलों में शिक्षकों को नियुक्त किया जाता है। लेकिन बिहार में इस नियम के तहत 2011 में पहली बार परीक्षा के बाद काफी हंगामे के बाद 2017 में दूसरी बार TET का आयोजन हुआ था। ऋतुराज की पत्नी से दुर्व्यवहार मामले में राज्य महिला और मानवाधिकार आयोग से मिले जाप नेता। इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर रूपेश सिंह हत्याकांड के आरोपी ऋतुराज सिंह की पत्नी और परिजनों से दुर्व्यवहार के आरोपों को लेकर जनअधिकार पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग से मुलाकात किया। जाप नेताओं ने आयोग को इस मामले में एक ज्ञापन सौंपा है, जिसके तहत मांग की गई है कि मामले में संलिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि रूपेश सिंह हत्याकांड के आरोपी ऋतुराज सिंह की पत्नी ने पटना पुलिस पर मारपीट करने और अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद भी उनकी पत्नी को 2 दिन और 2 रात तक एयरपोर्ट थाने में गैर कानूनी तरीके से रखा गया व गाली गलौज भी की गई। मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस और राजद नेताओं ने कसा तंज। लंबे समय के इंतजार के बाद आज नई सरकार की मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। बीजेपी और जदयू कोटे से बनाए गए मंत्रियों ने विधानसभा में अपने अपने पदों का शपथ ग्रहण किया। वहीं दूसरी तरफ मंत्रिमंडल विस्तार के पहले कांग्रेस और RJD ने नीतीश कुमार पर जमकर तंज कसा है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार गिरने का दावा करते हुए कहा कि यह सरकार 5 साल भी नहीं चलने वाली है। वहीं कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी के आगे नीतीश कुमार लाचार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के शर्तों पर ही नीतीश कुमार कैबिनेट विस्तार करने का फैसला लिए हैं, जिससे अब साफ हो गया है कि बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी ही रहेगी। सलमान ने शेयर किया दोस्त की शादी का वीडियो। बॉलीवुड के भाईजान कहलाने वाले एक्टर सलमान खान ने भले ही अब तक शादी नहीं की है, मगर उन्होंने अपने बचपन के दोस्त की शादी का एक वीडियो जरूर शेयर किया है। इंस्टाग्राम पर सलमान ने अपने दोस्त सादिक की शादी का वीडियो शेयर कर उन्हें एनिवर्सरी की बधाई भी दी और कैप्शन में लिखा है कि बचपन का दोस्त सादिक, उसकी शादी को 33 साल पूरे हो चुके हैं, ऑल द बेस्ट और शादी की सालगिरह मुबारक हो। उन्होंने मजाक में लिखा कि अभी भी वक्त है, भाग जा। सलमान के इस वीडियो पर काफी लोगों
ने कमेंट्स कर रिएक्शन दिए हैं। अनुभवी गेंदबाज आर अश्विन हुए इस बात से परेशान। भारतीय टीम के अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन मैच के दौरान एसजी टेस्ट गेंद के फट जाने से हैरान हो गए। मैच में 9 विकेट झटकने वाले अश्विन ने इस घटना पर कहा कि मैंने एसजी गेंद को इस तरह से फटते हुए पहले कभी नहीं देखा है। यह अजीब है कि 40 ओवर के भीतर ही गेंद के टाके खुल गए और यह नरम हो गई। दरअसल यह खबर थी कि मेरठ की सांस पाडल्स ग्रीनलैंड यानी कि एसजी ने सीरीज के लिए एक नई गेंद बनाई है जो कि गहरे रंग की है और जिससे सीम अधिक मिलेगा, मगर भारतीय गेंदबाजों को गेंद की गुणवत्ता में कमी लगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार बिहार सरकार बिहार के हर गांव कस्बे में बिजली पहुंचाने में सफल साबित हुई है या नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़ी छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।